हेलो जी, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ एक मैसेज है जो मुझे डिलीवर करना है अपने सब्सक्राइबर्स को और अपनी जो है वो यूट्यूब कम्युनिटी को। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज है 14 अगस्त, और ये हम सब जानते हैं कि आज जो है वो इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है, और हर जगह जो है वो सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि यार हर घर में जो है वो पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो लहरा रहा है, हर जगह दिख रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जो है वो ये हम लोग इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान जो मनाते हैं ये उस तरीके से नहीं मनाते जिस तरीके से मनाना चाहिए। जैसे जो है वो हमें ये करना चाहिए कि यार इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है तो यार पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यार केक काट लिया, या फिर कोई सेलिब्रेशन रख दी, या फिर कोई ऐसा कर दिया कि भाई घर के सामने फ्लैग लगा के बस वो हो गया कि यार बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। और एक और चीज़ ये कि हम लोग जो है वो इतने वो बेहिस और खुदगर्ज हो गए हैं कि यार अपना जो घर है ना, जैसे कि मेरा अपना घर है, मैं अपने घर से ये तो साफ़ कर दूँगा लेकिन उसी कचरे को कहाँ फेंकूँगा जाके, ऐसी जगह पे जहाँ पे ना कोई रहता है ना कोई कुछ है, कचरा कुंडी पे फेंक दूँगा जाके। और हमने उसको क्या बना दिया, कचरा कुंडी। जो कचरे वाला आता है उसके पास थोड़ा सा कचरा होता है लेकिन जो गली की जो कॉर्नर वगैरह है वहाँ पे इतना कचरा भरा हुआ होता है। क्या कर सकते हैं सर, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, तो हमें इस सब चीज़ों को सही करना है। हम लोग बेचारे जो है वो सिर्फ माशाल्लाह से सॉन्ग चला के और समझते कि यार हम लोग बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए, सही है, और हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन क्या हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान की जो है वो क्या कह सकते हैं, ख़त्म कर दिया बिल्कुल, अपनी हैबिट्स को हम लोग ठीक नहीं कर पाए, तो ये किस तरीके का इंडिपेंडेंस डे है तो समझ में नहीं आता। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम यार, आज मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि यार तुम्हें पता है कि आज हमारा 14 अगस्त है, और आज ही जो है हमारी जो पूरी कौम है पाकिस्तान की वो आज ही जागती है कि हम जो है वो जिंदा कौम है, और इससे पहले वो गुलामी की नींद सोई भी होती है। तो हमें जो है वो अपना इन्वायरमेंट एकदम साफ रखना चाहिए, इस तरीके से साफ रखें कि यार तकरीबन ऐसा तो हो कि भाई हमें अपना इन्वायरमेंट अच्छा लगे, एक लोग भी जो दुनिया के बाहर जो लोग देख रहे हैं वो ये समझे कि हाँ भाई हम लोग जो है वो सच में अपने इंडिपेंडेंस डे जो मनाते हैं उसमें अपना जो है सब कुछ अपना जो है वो हर बंदा इतना अपने एरिया को इतना वो प्रोटेक्ट करता है और सब कुछ करता है कि यार मेरा एरिया जो है वो मेरा मुल्क जो है वो अच्छा रहे, लोगों के नज़र में बाहर साफ दिखे, वरना तो यहाँ बॉर्डर शुरू होते ही लोगों को समझ में आया था कि यार पाकिस्तान शुरू हो गया और वही जो है वो उल्टी चीज़ें चल रही है, बस क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूँ नसर जमाल, और ये वीडियो जो है वो बन रही है कोलैबोरेशन विद माय ब्रदर मुनीश जमाल, और ही इज़ मुनीश जमाल, और ये जो है वो मेरे साथ पूरे शूट में शामिल थे और जिसकी वजह से जो है ये वीडियो जो है वो मेरे लिए पॉसिबल हो पाई है। और हमारे जो जितने भी माशाल्लाह से यूट्यूबर हैं अब वो भी इस जगह आ गए हैं कि भाई हम लोग जो है वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को जो है वो क्लियर करें, तो मैंने भी जो है वो 14 अगस्त में जो है अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अपने एरिया को साफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएँ, कि तकरीबन ऐसा कर लें कि यार मुझे जो है वो कचरा बाहर फेंकना ही नहीं है,
ठीक है, और ये करें कि यार जैसे भी एरिया है वहाँ पे जो है जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो सफाई वफाई को वहाँ देखता होगा, तो उसको जो है वो इस तरीके से, मतलब कि अभी जो है वो कराची का इलेक्शन भी होने वाला है, तो ऐसे बंदे को सेलेक्ट करें जो आपके एरिया को एक तो साफ कर सके, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ रही है दुनिया में क्या ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी, ये वो, अब इस सब चीज़ को जो है वो आप लोग करें, और इस वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।